हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं डॉक्टर उमा शंकर सिंह, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज मैं लेकर आया हूँ एलर एड टैबलेट। ये है एलर एड टैबलेट, बैक्सन कंपनी बनाती है। बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट इसका देखने को मिलता है। तो इसको मैं आपको इसके बारे में आज पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ, सब कुछ इसके बारे में बताऊंगा। लेकिन इसको बताने से पहले मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं वो आपको आसानी से मिल जाया करे। और इसको लाइक एंड शेयर जरूर करते रहिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। ये है एलर एड टैबलेट। इस पे नीचे लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है बैक्सन होम्योपैथी, नीचे लिखा हुआ है फॉर स्नेजिंग, वाटरी आईज एंड वाडियाक विथ एलर्जीज। यानी कि जो स्नीजिंग होती है, कहें तो जो एलर्जिकल भी होती है, जो छींक आती है लोगों को, उसमें यह बहुत बेहतरीन रिजल्ट देता है। इसके सबसे पहले इंडिकेशंस की बात करेंगे कि जो इस पे इंडिकेशन डाला हुआ है वो क्या है। फॉर रनी नोज, रनी नोज कहें तो जिन लोगों की नाकें बहती रहती हैं, चाहे जिन बच्चों की बहती रहती हैं, बड़े लोगों में भी रनी नोज होती है, यानी नाक बहती रहती है। कुछ लोगों में वाटरी होती है, कुछ लोगों में कहें तो ब्लाइंड होती है, यानी फिर कहें तो गाढ़ा होता है, गाढ़ा भी कुछ लोगों में आता है। तो उस कंडीशन में भी इसको लेंगे तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा। लिखा हुआ है स्नेजिंग, जिन लोगों में छींक आती है, बार बार छींकते हैं, छींकते जाते हैं, बार बार छींके आती हैं और छींक से परेशान हो जाते हैं और नाकों से पानी आने लगते हैं, तो उस कंडीशंस के लिए भी बहुत बेहतरीन ये टैबलेट्स है। वाटरी आईज एंड बॉडी एक, कहें तो जो वाटरी आईज होती हैं, इस छींक आती है, इतनी छींक आती है कि आंखों से पानी, नाकों से पानी, दोनों से पानी आने लगते हैं, उस कंडीशंस में बहुत बेहतरीन रिजल्ट आपको देगा। बॉडी एक ड्यू टू तो एलर्जी एंड साइनसाइटिस, कहें तो जो बॉडी एक ड्यू टू एलर्जीज, यानी कि एलर्जी की वजह से अगर बॉडी एक है, बॉडी पेन हो रहा है, बॉडी में आपके दर्द है, शरीर में, पूरे शरीर में दर्द बना हुआ है, उस टाइम एलर्जिकल, फिर कहें तो जो स्नीजिंग आती है एलर्जिकल, उस टाइम अगर पेन है तो इसको लेंगे बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। आरओआर साइनोसाइटिस इस पे लिखा हुआ है। साइनोसाइटिस कहें तो एक जो साइनस होता है आपका, इधर साइनस ऐसे होता है, इधर होता है, माथे पे भी होता है, ऐसे होता है, पूरा साइनस होता है एक अंदर आपके चेहरे के सामने, ये जो है पूरा एक साइनस होता है अंदर। साइनस में अगर कोई दिक्कत हो जाती है तो उसी को, उसमें अगर स्वेलिंग हो जाए या फिर कहे तो कोई इरिटेशन हो जाए, उस कंडीशन को साइनोसाइटिस बोलते हैं, यानी कि साइनोसाइटिस। तो साथियों, साइनोसाइटिस में ये चीजें आपको होती हैं कि नाकों से पानी, आंखों से भी पानी आने लगता है जब छींक आने लगती है तो उस कंडीशन में, और आपका चेहरा भारी भारी सा लगता है, आपके चेहरे पर हमेशा लगता है कि चेहरा मेरा भारी भारी सा पड़ा हुआ है। नीचे लिखा हुआ है प्रोटेक्ट फ्रॉम हीट, मॉइस्चर एंड डायरेक्ट सनलाइट। फॉर अदर डिटेल्स रीड लीफलेट, इस पे जो इंक्लूड लीफलेट पड़ी हुई है, अंदर जो पर्ची पड़ी हुई है उसको आप जानकारी पढ़ के ले सकते हैं। कंपोजिशन की बात करें तो जो इसमें कंपोजिशन डला हुआ है वो क्या क्या है। तो साथियों, जो इसमें कंपोजिशन डला हुआ है, ईच टैबलेट कंटेन इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ फेरम फास्फोरिकम 3x, नेट्रम्यूर 3x, काली सल्फ 3x, काली म्यूर 3x, बैप्टिसिया टिंक्टोरिया 3x, ब्रायोनिया अल्बा 3x, कास्टिकम 3x, यूकेलिप्टस ग्लोबुलस 3x, जेलसीमियम 3x है, सेवेडिला 3x है, यूपेटोरियम परफोलिएटम 3x है। इसके साथ साथ कहें तो साथियों, इसमें इसने मिलाकर इसमें 100% इसको बनाया गया है। तो ये आप लेंगे बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। डोजेज की अगर बात करें तो कितना लेना है, डोज भी इस पे लिखा हुआ है, 1 tablet 4 times a day, यानी कि 1 tablet सुबह में, 1 tablet दोपहर में, 1 tablet इवनिंग के टाइम में, इवनिंग कहें तो 5 या 6 बजे के आसपास, और एक बार नाइट में, यानी कि 9 to 10 PM के पास, यानी कि रात में। अगर बच्चे हैं तो इनको इससे आधा लेना होता है। साथियों, बच्चों की जो डोज होती है उसमें आधा लेंगे, लेकिन क्रॉनिक केस में साथियों, जो इसमें क्रॉनिक केस में 1 tablet 2x a day, अगर कुछ लोगों को, कहें तो जिन लोगों को लंबे समय से बना हुआ है, यानी क्रॉनिक केस है, साल 2 साल से बना हुआ है, ऐसी दिक्कत है, तो आपको सिर्फ 2 टाइम लेना है, यानी कि 1 tablet सुबह में
एक टैबलेट शाम को लेना होगा। माइल्ड टू मॉडरेट केसेस, अगर मिड से कहे तो ज्यादा दिन अभी नहीं हुए हैं तो आपको 3 टाइम लेना होगा तो अच्छा रिस्पांस मिलेगा, लेकिन बच्चों में याद रहे कि इसका सीधे डोज आधा कर लेना है। तो चलिए इसकी एमआरपी की भी बात कर लेते हैं। तो जो इस पे एमआरपी डली हुई है वो 200 यानी कि 200 रुपए इस पे पड़ा हुआ है। इसका जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है अप्रैल 2022 है और एक्सपायरी मार्च 2027 है। साथियों इतना चीज है इसमें, तो उम्मीद करता हूं कि ये आप एलर एड टैबलेट लेंगे बहुत बेहतरीन रिजल्ट आपको देगा और आप किसी को भी अपने परिवार में भी सजेस्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, धन्यवाद साथियों।